मुंबई मॉनसून मुसीबत, इसी की तस्दीक करती हुई अब तक बहुत सारी तस्वीरें सामने आ चुकी है। दरअसल उत्तराखंड में मुसीबत लाने के बाद बारिश ने मुंबई पर धावा बोल दिया है। रात से हो रही भारी बरसात ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी। रात करीब 1 बजे से सुबह 7 बजे तक यानी कि करीब 6 घंटे में मुंबई में 300 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक नजरें जाएंगी सड़कें समंदर में तब्दील नजर आएंगी। पटरियों पर पानी जमा हो गया है, इस वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, कई गाड़ियों की रफ्तार पर तो पूरी तरह से ब्रेक भी लग चुका है और कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। हालांकि जिस भी तरफ मुड़ी जा रही है ये वाहनें वहीं दिक्कतों का सैलाब दिखाई देता है। खासतौर से दफ्तर जाने वाले जो लोग हैं वो बेहद देरी से पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, बच्चे स्कूल टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीर इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से सड़क पर जाम लग चुका है। बारिश की वजह से पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। जल प्रहार का कहर मुंबई में मुसीबतों का पहाड़ लेकर कुछ इस तरह से नजर आया है। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, आप लगातार रात से सुबह हो चुकी है, आप इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में मॉनसून कुछ इस तरह से मुसीबतों का पहाड़ लेकर सामने आया है। विवेक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो कहां इस वक्त आप मौजूद है और मुंबई में मॉनसून किस तरह से मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है? सभी ने देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय थोड़ी सी बारिश थम चुकी है, लेकिन बारिश थमने के साथ साथ मुंबई का पूरा ट्रैफिक थम चुका है। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑफिस टाइमिंग होता है। अधिकतर मुंबई का लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, लेकिन देखिए बारिश तो थम गई है लेकिन साथ ही साथ मुंबई का ट्रैफिक भी पूरी तरीके से थम गया है। ये नज़ारा है मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का। सांताक्रूज एयरपोर्ट इलाके में हम मौजूद हैं और देखिए गाड़ी रेंग रही है और ये जो ट्रैफिक है कई किलोमीटर तक लंबा है, जिसमें देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है, आप सायरन के बाद भी सुन पा रहे होंगे, लोग फंसे हुए हैं। अब लोगों को अंदाज़ा नहीं कि कितने समय तक वो लोग अपने दफ्तर पहुँचेंगे, जहाँ काम करते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। हालाँकि BMC ने साफ तौर पर कह दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज फर्स्ट हाफ के लिए उन्हें छुट्टी दे दी गई है क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको दिखा जाऊँगा, ये जो रास्ता है जो सबवे आप देख रही हैं, अगर आपने कैमरा अर्जुन तो उन्हें जूम इन करके दिखाए, ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 का रास्ता है। ये T2 को सबवे को क्रॉस करते हुए जाता है, लेकिन देखिए अंदर सबवे में पानी भर चुका है और एक बस, सफ़ेद रंग की बस आपको नज़र आ रही होगी और बस देखिए ख़राब पड़ गई है, सबवे में पूरी तरह से पानी भर चुका है। यही वजह है कि इस सबवे को बंद कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो साउथ बाउंड से आ रहे हैं और एयरपोर्ट अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, सारे सबवे को बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँगा, जो लोग हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुंबई एक वर्टिकल शहर है, मैक्सिमम लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं और साउथ साइड में उनका दफ्तर होता है। हम चाहेंगे कि इन्हीं तस्वीरों के साथ अगर आप ये बता पाए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में अलर्ट जारी किया गया है ताकि जो लोग मुंबई में मौजूद हैं वो इस तस्वीर को देख सके और जो लोग बाकी शहरों से मुंबई की तरफ रुख करना चाहते हैं ताकि एक सटीक इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। सभी देखिए, मौसम विभाग ने सिर्फ साफ तौर पर कह दिया कि ऑरेंज अलर्ट मुंबई में है, MMR रीजन यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर आता है। आज वहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। यही वजह है कि BMC ने तमाम प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में फर्स्ट हाफ तक की छुट्टी दे दी है और साफ तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और BMC के जो ऑफिसेज हैं उनमें भी कह दिया है कि फर्स्ट हाफ में उनको छुट्टी दी गई है और कोशिश और सारे प्राइवेट ऑफिसेज को बोल दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम काम करें, ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल चुके हैं उनकी हालत देखिए, घंटों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये जो नज़ारा है वो मैंने आपको बताया कि मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है, सांताक्रूज इलाका है जहाँ से लोग दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, कई घंटों से लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बारिश थमी हुई है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मैं अपडेट आपको देना चाहूँगा, अपने कैमरा अर्जुन को बोलूँ तो आप दिखा सकते हैं, ये देखिए जो सबवे है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, उस सबवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि आगे सबवे में पानी भरा हुआ है और बस
ये खराब पड़ी हुई है। अब जिन लोगों को एयरपोर्ट जाना हो, जो साउथ बाउंड से एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, और सबवे बंद करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको फ्लाइट पकड़नी है उतने उन्हें कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। हवाई यातायात तो डिस्टर्ब है, ये साथ ही साथ जो लोकल रेलवे है वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। सेंट्रल रेलवे अब धीरे धीरे अपने लोकल ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन देखिए काफ़ी रिस्क लेके पटरियों पे पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी ट्रेन को धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि लोग ट्रेन में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, हर एक स्टेशन पे भीड़। लौटेंगे आपके पास विवेक इन तस्वीरों के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर पहुंचाएंगे। हालांकि ऑरेंज येलो रेड ये अलर्ट होता है जो कि मौसम के जरिए यहाँ पर जारी किया जाता है। फिलहाल मुंबई में बारिश रुकी हुई है, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक जो पानी भरा हुआ है उसने मुसीबतों का जो ये सैलाब है वो कुछ इस तरह से मुंबई वासियों के सामने लाकर रख दिया है। पानी से भरी पटरियों पर ही जैसे तैसे लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भांडुप रेलवे स्टेशन की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, खुद देख लीजिए एक लोकल ट्रेन सावधानी से पटरी पर कुछ इस तरह से चलती दिखाई दी है। मुंबई में हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भारी बारिश तूफान की आशंका जताई जा रही है। ऐशा हमारे साथ में मौजूद है घाटकोपर से, जो कि बताएंगी वहां पर किस तरह के हालात हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह से लोगों की जो पटरी है वो जो मेन पटरी है जहां मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की जाती है वहां से उतर गई है। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं हम घाटकोपर स्टेशन पे है, यहाँ से ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है, क्योंकि यहाँ पे लोग तकरीबन आधे एक घंटे से ट्रेन के लिए रुके हुए हैं। आज जो है मंडे मॉर्निंग की जहाँ हम बात करें तो कई लोग अपने काम के लिए निकले हुए थे, लेकिन ये जो आप विजुअल देख सकते हैं घाटकोपर स्टेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि सेंट्रल लाइन, क्योंकि सुबह से कहा जाता है कि सेंट्रल लाइन बंद है, सेंट्रल लाइन के अलावा जो मेट्रो स्टेशन है वो भी यहीं कनेक्ट होता है, तो वेस्टर्न लाइन का जो पूरा ट्रैफिक है जो तो सीएससी की तरफ जाना होता है वो पूरा यहाँ पे डाइवर्ट होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर पे कोई ट्रेन दिखाई नहीं जा रही है, यहाँ तक कि इस प्लेटफॉर्म पे भी कोई ट्रेन नहीं है, और सामने के जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जो आ रही है वो भी रुक रुक के आ रही है, क्योंकि पटरियों पे जो है पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों लोग जो है फिलहाल स्टेशन पे खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए सीएससी जाने के लिए, और तकरीबन आधे एक घंटे से कई लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम बात करेंगे, आप कितनी देर से यहाँ पे रुके हुए हैं बताइए? आधा घंटा हो गया। और क्या कहा जा रहा है, क्या ट्रेन जा रही है? कोई ट्रेन नहीं, कोई भरोसा नहीं, खाली लेट है लेट है, रोज के माफी कोई लेट है लेट है बोल रहे हैं, और कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि ट्रेन आएंगी नहीं आएंगी कुछ? और बारिश भी नहीं है फिर भी ट्रेन लेट है। ओके, तो यहाँ पे कई लोग जो है आप देख सकते हैं यहाँ से आप पूरा जो ऊपर सीरिया जाती है वहाँ तक की लोग की भीड़ जमा हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे से लोग रुके हुए हैं। अब जैसे आपने कहा कि भांडुप स्टेशन हो गया, कुरला स्टेशन हो गया, सायन हो गया, वहाँ पे पटरियों पे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते थाने के से आगे की जो ट्रेनें हैं वो नहीं आ पा रही है, यहाँ तक कि जो कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हो, फिर भले वो प्रगति एक्सप्रेस हो गई या डेक्कन एक्सप्रेस हो गई जो रेगुलर पुणे नासिक से आते रहते हैं, वहाँ से भी जो है हम देख रहे हैं कि अभी वो टर्मिनेट की गई है, यहाँ तक कि सामने की सिर्फ एक ही पटरी पे जो है ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन उसमें भी क्योंकि ट्रेन एक ही पटरी पे चलाई जा रही है इसके चलते रुक रुक के चल रही है, और वो ट्रेनें भी रुकी हुई है, इससे जो है मुंबई में देखें तो यातायात पे काफ़ी असर पड़ रहा है। कई लोग जो है जिन्हें सुबह अपने ऑफिस जाना है वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोग यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आधे एक घंटे से रुके हुए हैं, और इसी के चलते यहाँ पे कई जो कम्यूटर्स है उन्हें दिक्कत आ रही है। सर आप बताइए आप कितने टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं? एक घंटा हो गया। एक घंटा, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि ट्रेन आएंगी कब आएंगी? कोई पता नहीं है। आपको कहाँ जाना है? दीवा जाना है। दीवा जाना है, और दीवा जाने के लिए क्या ट्रेन ऐसा अनाउंसमेंट किया गया कि दीवा जाने की ट्रेन कम्प्लीटली बंद है? आधा एक घंटा हो गया बंद हो गया। जैसे हम देख रहे हैं कि दीवा यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें नॉर्थ बाउंड यानी कि कल्याण दीवा से ही जाना है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा रही, यहाँ तक कि आपको ऊपर दिखाए तो जो इंडिकेटर है इंडिकेटर पे ट्रेन के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया, टाइमिंग नहीं दिया गया है, उसके चलते जो है कई कम्यूटर्स सामने की जो ट्रेन हम देख रहे हैं सीएससी जाने के लिए है, लेकिन आगे भांडुप अभी तक हम देखे सायन कुरला पे भी पानी भरा हुआ है, भांडुप पे जहाँ हम देखे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है मुंबई में। जहाँ हमने लोगों से बात की, कई लोगों से बात की जो रोड से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिक्कत उन्हें ये आ रही है आगे जाने के लिए कि कई जगह पे पानी भरा हुआ है और उसके चलते कई जगह पे ट्रैफिक भी है। तो फिलहाल अभी हम जहाँ मूवमेंट देखे तो फिलहाल क्योंकि ट्रेन का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इसीलिए और भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे,
और उसके चलते आगे जो कम्यूटर्स है हम देख रहे हैं कि तकरीबन आधे एक घंटे से रुके हुए जो ये लोग हैं उनके लिए क्या एनी पॉसिबिलिटी देखें कि देखो अब जब ट्रेन की अभी मूवमेंट भी शुरू हो रही है हल्की हल्की, तो ट्रेनें जो आ रही है वहाँ से वो भर के आ रही है, तो इसके चलते काफ़ी लोग और भी परेशान हैं यहाँ पे मुंबई में। जी तो आप तस्वीरें यहाँ पर ऐशा के जरिए पूरी जानकारी हमारी सहयोगी ऐशा इस वक्त दे रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई ना सिर्फ भीगी है बल्कि कुछ इस तरह से डूबी डूबी भी नज़र आ रही है, चाहे वो स्टेशन हो, सड़कें हो, पानी में लबालब नज़र आ रहे हैं। और जो तस्वीरें मुंबई के घाटकों पर से नज़र आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए लोग घरों से बाहर तो निकले लेकिन कितना लंबा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ रहा है। हालाँकि बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे में सुरक्षा के भी इंतज़ाम हो, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है किस तरह से हादसे भी होते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बहुत ध्यान से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं अब लोग बहुत तेज़ी के साथ ताकि ये ट्रेन भी मिस ना हो जाए, कि क्या कुछ सुरक्षा के भी इंतज़ाम ऐसे कुछ नज़र आते हैं जो इस भीड़ पर काबू रख सके, या फिर व्यवस्थाएँ अस्त व्यस्त नज़र आ रही हैं? यहाँ तक कि अब जहाँ ये विजुअल देखे तो पूरे प्लेटफॉर्म पे गिने चुने जो है 5-6 हम देखे पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि एक घंटे बाद इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है तो आप देख रहे हैं कि लोग कैसे मशक्कत कर रहे हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, और जो ट्रेनें आ रही है क्योंकि बहुत धीमी गति से आ रही है, यहाँ तक कि बहुत समय के बाद आ रही है, तो दिक्कत ही आ रही है लोगों को कि उन्हें अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए इसी ट्रेन में चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो ट्रेनें आ रही है वो फुल होकर आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि लोग कैसे मशक्कत करके ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोग अभी भी सीढ़ियों पे अटके हुए हैं। तो जब यहाँ का मूवमेंट जब क्लियर होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जितने भी कंपार्टमेंट्स में लोग चढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली फुल जा रही है, और लोगों को रस्ते पर तो उतर चुके हैं, घर से बाहर निकल चुके हैं कि आज जो है मंडे मॉर्निंग है, उन्हें अपने काम पे जाना है, लेकिन काम पे कैसे जाए ये एक सवाल है जो काफ़ी लोगों के मन में है। और आपको अभी भी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रेन धीमी गति से चल रही है, एक एक घंटे बाद आ रही है, आधे आधे घंटे बाद, जिससे लोगों को और भी तकलीफ है। आप लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करें कि क्या उन्हें इस बात की पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी, लेकिन इन तस्वीरों के साथ हम जरूर ये कहना चाहेंगे, चाहे वो संबंधित विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, कानून व्यवस्था हो, उन तमाम व्यवस्थाओं से संबंधित विभाग को कि वो इस तस्वीर को जरूर देखें। ये तस्वीरें देखनी, समझनी और इस पर गौर करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि हर कोई इस बात को बखूबी समझता है कि बारिश को रोका नहीं जा सकता, मुसीबत की बारिश को तो किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकता, लेकिन उससे पहले जो लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर मंजिल की तरफ निकलने के लिए कदम बढ़ाते हैं उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी जानी चाहिए, और अगर मिलती भी है और अगर पहुँचते भी हैं तो व्यवस्थाएँ कम से कम ऐसी होनी चाहिए ताकि किसी भी कीमत पर भगदड़ ना मचे। देखिए इस शब्द का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सावधानी बेहद ज़रूरी है, और हमने देखा भी है किस तरह से किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए, बस को पकड़ने के लिए दिक्कत भी होती है। विवेक हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विवेक यहाँ से ऐसा वाकई मैं तस्वीरों को देखती हूँ तो रोंगटे इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक में फंसना और स्टेशन के हालात एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, लेकिन दिक्कतें वहीं नज़र आती हैं जस की तस जो पिछली बार भी नज़र आई थी। हाँ बिल्कुल सही कहा सबीना, आपने देखिए जब भी मुंबई में तेज़ बारिश होती है, जो मुंबई की लाइफलाइन है जिस पर प्रतिदिन 80 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो समझिए कि पूरी की पूरी भीड़ जो है सड़कों पे आ गई। यही वजह है, मैं आपको फिर से अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरी जो भीड़ है वो सड़कों पर आ चुकी है, प्रेशर अब ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा है। अब आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए जब लोकल ट्रेन डिस्टर्ब हो जाती है या देरी से चलती है तो किस तरीके से जो लोग हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते हैं, ऑटो लेते हैं, बस लेते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप शबीना आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने घंटों में लोग पहुंचेंगे, कितने समय लगेगा ट्रैफिक में, गाड़ियां चल नहीं रही हैं या फिर हम कहें गाड़ियां रेंग भी नहीं रही हैं। हालांकि बारिश पूरी तरह से थम चुकी है लेकिन ट्रैफिक भी पूरी तरह से थमा हुआ है। अंदाज़ा लगाइए कि लोगों का जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो किस हद तक है, उन्हें पेशेंस नजर आप बनाए रखिएगा। विवेक ऐसा आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिर्फ मुंबई ही नहीं, उसके जबकि आसपास के इलाकों में भी आप नजर डालेंगे तो बरसात की भारी मार पड़ रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश और देखिए उसके बाद की ये तस्वीर, जो सैलानी जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनके लिए किस तरह से मुश्किल आन खड़ी हुई। कई लोग
किले में फंस गए और वहां से सामने आए जो वीडियो में नजर आया वो देखिए इस वक्त आपके सामने है। बेहद खतरनाक ये तस्वीर है, भयानक मंजर आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। भारी बारिश से जो किला है, किले की सीढ़ियां जो है वहां तक पानी पहुंच गया। सैलानी आए हुए हैं, सैलानी यहां पर लुत्फ लेने आए थे, लेकिन तभी सैलाब कुछ इस तरह से टूट पड़ा, वो भी इतनी तेजी से, लगा मानो झरना बह रहा हो। ये झरना नहीं है, लेकिन सीढ़ियों तक जब पानी पहुंचा और लगातार पानी का बहाव देखे किस तरह से अपने मानकों को तोड़ता चला गया। ऐसा सैलाब का सामना करने के लिए लोगों ने एक दूसरे के साथ मानव जो चेन कहते हैं, यानी एक दूसरे का जो हाथ पकड़कर एक दूसरे को मजबूती देने की कोशिश होती है, वो यहां पर नजर आई। और राहत की ये बात रही कि वक्त रहते सभी सैलानी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। लेकिन इस बीच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में धार बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। छह तस्वीर तस्दीक करती हुई उत्तर प्रदेश के राप्ती नदी को देखिए, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं असम में बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बारिश उनके लिए मौत की बारिश बनकर आई। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपके सामने, यहां भी बारिश ने हालात को बदतर कर दिया है। तो ये बारिश का कहर है, जल प्रहार है, और ये इस कदर है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल दो लोग एक मोटरसाइकिल पर देखिए किस तरह से सवार होते हैं और सैलाब के खतरे को इन्होंने नजरअंदाज किया, और ये नजरअंदाज करना इन पर कुछ इस तरह से भारी पड़ गया। कोशिश कर रहे हैं, जबकि जानते हैं यही तस्वीर नजर सामने आती है, और कई बार ये तस्वीरें तो जिंदगी लीलते हुए नजर आती है। पानी के बहाव के आगे बाइक अपना बैलेंस खो बैठा और इसके बाद दोनों बाइक सवार कुछ इस तरह से बहते नजर आए, लेकिन अपनी बाल बाल जान बचाई इन्होंने। और देखिए तस्वीर बेहद खतरनाक। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार, मॉनसून आया, बाढ़ लाया, मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था, पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था, अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है वहां सड़क बनाई जा रही है, और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा।
उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है, पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज बहाव के कारण तैरने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है, वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में ये बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूट गई है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, आप 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पर। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। सर नाव चलाते हैं यहाँ पे, रोज सुबह आ जाते हैं फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। अब लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा, अब जो हैं उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। अच्छा, घर खाली कर रहे हैं ज्यादातर। जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गईं, पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी।